मैं रास्ते में जानकारी लेता रहा था, क्रांति जी भी बता रहे थे और साथी बता रहे थे, आप सबको पता है यदि हम आबाद काल में जाएंगे तो यह मध्य प्रदेश था। क्यों आपका विखंडन हुआ, क्या काम रहे, बाप बाप गौतम में बट गए, ये प्याड़ों का बन गए, कोई सीताओं का बन गया, कोई चांदाओं का बन गया, आपके टुकड़े टुकड़े हो गए और यही परिणाम रहा कि आपका इतिहास खत्म हो गया। मैं समझता हूं कि इस मूर्ति से आपको शिक्षा लेनी चाहिए। अब हमको इस टाइम, क्योंकि उस टाइम तो सिर्फ कटाने की जरूरत होती थी, आज तो हमको सिर्फ गिराने की जरूरत है। ये प्रजातंत्र उस समय से शिक्षा लेकर के हमको राजनीति में जो प्रत्यक्ष है, शिक्षा के क्षेत्र क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए। हमारे बीच में युवा के नेता है, सचिन जी पाठ विराजमान है, हमारे यहाँ से सांसद रहे, आपको पता है आपके भी सांसद रहे। जब दौसा क्षेत्र हुआ करता था, चार विधानसभा तो जयपुर की थी जिसमें दबा रामगढ़ भी था, राजेश पाठ भी यहाँ से सांसद रहे हैं और ये सही है, ये रोड उनके टाइम पर बनी थी और अधूरी रोड को सचिन पाठ जी ने पूरा किया था। आपने दोनों क्षेत्रों को इस रोड के माध्यम से जोड़ा था, इस हाईवे के माध्यम से जोड़ा था दौसा और जयपुर डिस्ट्रिक्ट की चार चार विधानसभा को। और आज सम्मान्य सचिन जी पायलट पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से दौसा और जयपुर जोड़ा था, 36 गांव के किसानों के बच्चों को जोड़ रहे हैं, 36 गांव के लोगों को जोड़ रहे हैं, किसानों के भले की बात कर रहे हैं। साथियों में बोल रहा हूँ, प्रजातंत्र का टाइम है, आप सबको मिल करके आप सबको ये फैसला करना पड़ेगा कौन सी पार्टी आपके हित में काम कर रही है, कौन सा नेता ऐसा है जो आपके हित में काम कर रहा है। मैं समझता हूँ आप तमाम साथी हमारे पढ़े लिखे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनमें भी राजनीतिक जागृति आ रही है। हालांकि जमाराम ने फैसला अच्छा किया था, पूरी राजधान में अच्छे फैसले किए थे, पूरी राजधान में बहुत अच्छे फैसले लिए थे और विशेषकर पूरी राजधान के लोगों ने भी पानी साहब के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, इसलिए हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों वर्तमान प्रक्रिया ठीक नहीं है हम लोगों के लिए, जिस तरह से पहले के इतिहास में आपका विखंडन हुआ था, ऐसी परिस्थितियां देश में बांटने की अब चल रही है। चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे आम माध्यम से हो, चाहे संविधान संशोधन के माध्यम से हो, चाहे आरक्षण में वर्गीकरण के माध्यम से हो, हमारे में कई लोग बीजेपी के लोग मुझे कहने में कोई गुजर नहीं है, उस फैसले को अलग परिभाषित कर रहे हैं, उस फैसले को क्रिमिनल से जोड़ रहे हैं। साथियों फैसला क्रिमिनल का नहीं है, वो फैसला वर्गीकरण का है, वो फैसला आपको बांटने का है, वो फैसला आपको टुकड़े करने का है। इसलिए आपको सोच समझ के फैसले करने होंगे और आने वाले टाइम में जो नेता हमारे पक्ष में है, जो नेता युवाओं के पक्ष में है, जो किसानों के पक्ष में है, जिन्होंने पहले हमारे क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया है, हम सबको मिलकर के एक होकर के जब आपको शिक्षा लेनी चाहिए, जब आपने गौतम में बट के सत्ता खो दी, गौतम में बट के ये मेरा ये सिर का ये फलाना ये चांदा ये ब्यावा ये वो ये फलाना, इसलिए तो सत्ता गया आपकी, आपको जातियों में नहीं।